नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद तालुक में। आज हम लोग यूपी टेट के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। यूपी टेट की परीक्षा एक बड़ी परीक्षा है। प्रदेश के बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस परीक्षा से संबंधित हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद इस परीक्षा की भूमिका और बढ़ गई है, इस परीक्षा की उपयोगिता भी बढ़ गई है और अब ये अनिवार्य पात्रता परीक्षा के रूप में आपके समक्ष है। इसको लेकर आप लोगों के मन मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न हैं जो पिछले दिनों में आपने पूछे। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की गई है। 90 से 100 दिन की आपकी एक अच्छी रणनीति क्या हो पढ़ाई की, कितने अंक आपको अर्जित करने चाहिए, कौन सी प्रमुख किताबें और नोट्स हैं जिनको आप मार्केट से उपयोग में ला सकते हैं, इन्हीं सब विषयों पर आज मेरा एक संक्षिप्त वीडियो है। निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पिछले दिनों हम लोगों ने टारगेट विद तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में 2020-21 के लिए यूपी टेट का एक नया बैच प्रारंभ किया था। जैसे ही हम लोगों ने वो बैच प्रारंभ किया, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई और संस्थान दबाव में था और टीजीटी पीजीटी के लिए भी एक बैच हमने प्रारंभ किया। यूपी टेट के बैच के बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो उस समय सेमेस्टर एग्जाम्स में बिजी थे और उन्होंने कहा, सर क्लास थोड़ी सी लेट प्रारंभ करिए, हमारे सेमेस्टर एग्जाम है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो अभी प्रवेश नहीं ले पाए। आज हम यूपी टेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। आपके एनसीईआरटी या एससीईआरटी के नोट्स होने चाहिए, कैसे आपको नोट्स को पढ़ना है, कौन सी किताबें आपको प्रमुखता से पढ़नी है अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, इन 100 दिनों में आपको नोट्स और किताबों का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम काउंटडाउन के हिसाब से देखें तो लगभग 100 दिनों में आपकी परीक्षा हो जानी चाहिए, जो सूचनाएं आपको मिल रही हैं। उसके अलावा आपके कितने अंक होने चाहिए और उन अंकों को अर्जित करने की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, विषयवार कितने अंक आप अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो आपके कुल अंक होंगे उनकी भी भूमिका आपके चयन में बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी भूमिका बहुत बढ़ गई है। उससे पहले मैं एक मिनट में आपको यह जानकारी देता हूं कि हमारे संस्थान में 2020-21 के लिए जो यूपी टेट का नया बैच है उसकी स्थिति क्या है। देखिए, हमने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि हम टारगेट विद तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में एक वर्ष में एक ही यूपी टेट का बैच चलाते हैं। हम ऐसा कभी नहीं करते कि हम पुराने बैचेज में नए लोगों को जोड़ते जाएं और हम साइक्लिक चलाते रहें। नहीं, हमारा एक बैच आता है, पूरी अनुशासन और गुणवत्ता के साथ आता है। हमारी 10 सदस्यीय टीम उसमें पूरा मेहनत करती है, आपको लाइव क्लासेस देती है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं, सारी क्लासेज आपकी लाइव होती हैं, लाइव डाउट सेशन होते हैं और हम आपको एक ही बैच में पढ़ाते हैं और इस अनुशासन से पढ़ाते हैं कि यहां से आपके रैंकर्स निकलते हैं। जैसे पिछली बार आपने देखा यूपी टेट की परीक्षा में टॉप 20 में से 4 लोग हमारे यहां से थे, 2 प्राइमरी में, 2 जूनियर में। इसी तरह की बैच था, आप लोगों ने प्रवेश लिया और आप ही के बीच में से टॉपर्स बने और उसी प्रतिबद्धता के साथ इस बार भी टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बैच चला रहा है। इस नवीन बैच के बारे में आइए मैं आपको जानकारी दे दूं। यूपी टेट का जो नया बैच है, वो नया बैच हमारा प्रारंभ हो रहा है, कक्षाएं जो प्रारंभ हो रही हैं वो 11 नवंबर से आपकी प्रारंभ हो रही हैं नए बैच में। मतलब आप जो है प्रवेश हर हालत में 9 नवंबर तक पूरा करा सकते हैं। मतलब 6, 7, 8, 9 और 10 आप प्रवेश प्रक्रिया ले लीजिए, क्योंकि हमें भी क्लासेज के लिए तैयारी करनी होती है। प्रवेश प्रक्रिया इसलिए भी बढ़ानी पड़ी बैच में, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बहुत सारी बीच में ऐसी बाधाएं थी जिसमें से बहुत सारे लोगों ने प्रवेश सुनिश्चित नहीं करा पाए। हालांकि हजारों की संख्या में लोगों ने प्रवेश लिया है और उनको हमने मैसेज भी किया है कि किस तरीके से हम आपकी कक्षाओं की मतलब समय सारिणी को आपको दे रहे हैं, कैसे हम आपको इंटरटेन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नया बैच है आपका और इस नए बैच की कक्षाएं 11 नवंबर से आपकी क्या होंगी, प्रारंभ होंगी और इसके बाद दिवाली है, तो विधिवत ये बैच दिवाली के बाद ही चल पाएगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। लेकिन 9 नवंबर तक इसमें प्रवेश प्रक्रिया फिर से खोली गई है और इस प्रवेश प्रक्रिया पे आप कैसे प्रवेश ले सकते हैं, यह संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है आधिकारिक यूपी टेट के लिए। इस व्हाट्सएप नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करके इस पर आप एंट्री टेट लिखकर हमें प्रेषित कर दीजिए, भेज दीजिए व्हाट्सएप से, हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क करेगी और आपको बताएगी। देखिए, ये एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया है यहां पर बैच की, ऑनलाइन बैच की, और ऑनलाइन बैच के अपने भी एक अलग फायदे हैं। तो एक तो ये तरीका है जिससे आप प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं नए बैच में। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, ये हमारे 7 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं,
अगर आपको WhatsApp पर, जैसे पहले तो आप WhatsApp के मैसेज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा जो आपको प्रवेश के लिए भेजा गया है, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें समाहित है, क्योंकि एक्सपर्ट टीम ने बैठ के उसको बनाया होता है। हो सकता है कि जो बातें प्रवेश नहीं बैच के खत्म होने तक आपके मन में आ रही हो उनके भी उत्तर उसको लिखे गए हैं। और आपको प्रवेश नहीं भी लेना है और यूपी टेट की परीक्षा की बारीकियों के बारे में अच्छे से जानना है, तब भी आप व्हाट्सएप पर एंट्री टेट लिखकर उस नंबर पर भेज सकते हैं, बाकी हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, फिर निर्णय आपका है। यदि आपको कोई भी दिक्कत है, शंका है, तो आप समाधान कर सकते हैं। आप टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के सदस्यों से बात कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप वार्तालाप कर लीजिए। ये आपके 7 नंबर हैं, इन 7 नंबरों पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं इस नवीन ऑनलाइन बैच में आपके लिए है क्या क्या। ध्यान दीजिए, एक बड़ा पाठ्यक्रम है आपका, जूनियर के प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा होता है, प्राइमरी वाले प्रश्नों का स्तर भी बहुत अच्छा होता है। आप देख रहे हैं कि आपके विभाग पर बहुत कार्य किया जा रहा है, इसलिए इस बार प्रश्नों की प्रवृत्ति आपकी और अच्छी होगी। तो यहां पर कोई ऐसा सामान्य पाठ्यक्रम नहीं है कि आप इसको 20-25-30 दिन में क्रैश कोर्स में पढ़ लें। तो क्रैश कोर्स के नाम पर ये सब चीजें जो होती हैं, ये ठीक है, ये उन लोगों के लिए होती है जो बहुत तैयारी होती है, लेकिन जो न्यू कमर है, जो वास्तव में अच्छा करना चाहते हैं, उनको फाउंडेशन बैच को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और इसके लिए आपको 80 से 90 दिन का समय देना ही पड़ेगा। हमारे बैच में है क्या क्या, डेली 5 से ज्यादा घंटे की आपकी लाइव क्लासेज है। देखिए, लाइव क्लासेज का मतलब ही होता है कि हम कोई पुराना मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं करते। हमारे टीचर आएंगे, आपका एक शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल पर आप हमारे टीचर से लाइव पढ़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने लाइव क्लास नहीं की, तो फिर वो क्लास आपकी हो गई, आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में तभी भी पढ़ सकते हैं, कितनी भी बार पढ़ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी। पीडीएफ प्लस हैंडरिटन नोट्स, देखिए पीडीएफ नोट्स वो होते हैं जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं, हैंडरिटन नोट्स वो होते हैं जो संस्थान के अध्यापकों के स्वयं के द्वारा तैयार किए गए हों और आपको भेजे जाते हैं। पिछले वर्षों में मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि लगभग 85% प्रश्न आपको इस नोट से मिले हैं और मिलेंगे भी। इसलिए मिलेंगे क्योंकि जो अध्यापक 10 वर्ष से पढ़ा रहा है उसका अपना एक अनुभव होता है, वो अध्यापक उस अनुभव को इन नोट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाता है। क्लासेज, उसी अध्यापक की क्लासेज प्लस ये नोट्स, ये आपको और बेहतर करते हैं उस परीक्षा के लिए, जिस परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं। और हैंड रिटन नोट्स ही हमारी सबसे बड़ी पहचान रही है, जिन्होंने बहुत मदद की है लोगों को 125-130 नंबर आसानी से अर्जित करने में। डाउट सेशन लाइव, मान लीजिए कोई चैप्टर पूरा हुआ तो उस चैप्टर का एक डाउट सेशन होगा, 25 प्रश्न उस चैप्टर से आपको हल कराए जाएंगे, और चैप्टर वाइज आपका टेस्ट भी होगा और चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस भी होगी। संभावित प्रश्नों उत्तर श्रृंखला, प्रत्येक विषय से लगभग 500 प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला जो संभावित है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिसके आसपास के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। लाइव मैराथन रिवीजन, संस्थान की परंपरा रही है कि जब भी कोई बड़ी परीक्षा आती है तो हम लाइव मैराथन रिवीजन आपको कराते हैं। हम तब कराते हैं जब आपका पूरा बैच खत्म हो जाता है, जब आपका संपूर्ण बैच समाप्त हो गया तो एक बार हम कंप्लीट लाइव मैराथन रिवीजन आप सभी लोगों को कराएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट, पहले ही व्याख्या कर चुका हूं, कंप्लीट टेस्ट सीरीज उत्तर प्रदेश स्तर पर प्राइमरी की अलग और जूनियर की अलग, कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके पाठ्यक्रम के समाप्त होने के बाद हम आपको करवाते हैं, जिससे आप अपना आकलन कर सकें परीक्षा में जाने से पूर्व। और उस टेस्ट सीरीज में वैसे ही प्रश्न होते हैं जैसे प्रश्न लगभग आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं या उनके समकक्ष हैं, तो आप आराम से अपने ज्ञान संज्ञान को वहां पर जांच सकते हैं। और 80 प्लस प्रैक्टिस सेट, ये देखिए एक नया एडिशन है 80 प्लस प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मान लीजिए पूरा पाठ्यक्रम आपने पढ़ लिया तो हम आपको 80 प्रैक्टिस सेट विषय बार हल कराएंगे। 80 प्रैक्टिस सेट का मतलब यह है कि जो भी कुछ कमी अगर रह गई है तो निश्चित से जब आप 80 प्रैक्टिस सेट हल करने के बाद परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। आइए अब बात करते हैं अंकों की व्यवस्था पर। 150 प्रश्नों का आपका अमाउंट है और प्रश्नों के हिसाब से हम अंकों को अगर देखें तो देखिए प्राइमरी में अगर हम देखें तो हिंदी के 30 हैं, यहां पर 25 आसानी से अर्जित किए जा सकते हैं, आप स्वयं से पढ़ के भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है, TWA की टीम के साथ निश्चित रूप से किए जा सकते हैं। संस्कृत और इंग्लिश में 22 तक अर्जित किए जा सकते हैं, आप कुछ बढ़ा भी सकते हैं।
बाल विकास में भी ऐसा पाठ्यक्रम है कि 22 तक आप अर्जित कर सकते हैं। अर्जित करने का मतलब है कि अगर आपको बहुत अच्छा करना है और अपने आप को सिक्योर करना है, क्योंकि आपके टेट में जो नंबर होंगे वही आपके अंतिम चयन को भी निर्धारित करेंगे, तो आपको पहले यह तय करना पड़ेगा कि हमें केवल 90 नंबर पाकर क्वालिफाई करना है या हमें अभी से मेहनत करके अच्छे अंक अर्जित करने हैं। और अगर अच्छे अंक अर्जित करने हैं तो यहां पर आप पहले से मन मस्तिष्क में बिठा कर चलिए कि यहां पर आप 25 तक अर्जित कर सकते हैं, यहां पर आप 22 से अधिक अर्जित कर सकते हैं, यहां पर भी आप 22 से अधिक अर्जित कर सकते हैं, पर्यावरण में आराम से आप 25 अर्जित कर सकते हैं और यहां के सदस्यों ने 25 अर्जित किया है, और गणित में भी आप 25 आराम से अर्जित कर सकते हैं। तो अगर अंकों की इस व्यवस्था को आप दिमाग में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंक 115 और 120 से प्लस हो जाएंगे, चाहे हम इनको अंक से कह के संबोधित करें और चाहे हम इसको प्रश्न कह के संबोधित करें। जूनियर में तीन चीजें समान है, यहां पर भी आप 25 है, 22 है, 22 है, यहां पर 60 हो जाता है आपका, और 60 में से 50 अंक आप आराम से अर्जित कर सकते हैं। यदि कला वर्ग वाले हैं तो वो भी देखिए जीके और जीएस में यहां पर 45 से 50 अर्जित कर सकते हैं, 45 प्लस, और अगर विज्ञान वर्ग वाले हैं तो उन्हें 30 प्रश्न विज्ञान के करने हैं और 30 प्रश्न गणित के करने हैं, और वो भी आराम से इसमें से 50 प्लस अर्जित कर सकते हैं, और यहां पर भी जो आपका अमाउंट है वो 115 और 120 के बीच में होता है। तो इस अमाउंट को ध्यान में रखकर आप में से बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि सर 90 नंबर ही तो चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। विश्वास मानिए, अगर 90 नंबर के साथ क्वालिफाई करेंगे तो वो डिग्री ही आपकी पात्रता परीक्षा ही आजीवन आपके काम की होगी, बाकी वो आपके किसी काम आएगी नहीं। तो अगर आपको अपनी पात्रता परीक्षा को अपनी नौकरी के रूप में बदलना है, इस परीक्षा को प्री परीक्षा के रूप में आप दे रहे हैं, इसके बाद आपको सुपरटेट भी देना है, तो अभी से आपकी एक काउंटिंग होनी चाहिए कि हमें 115 से 120 नंबर के बीच में लाने ही है, नहीं तो आपकी मेहनत बेकार है। तो प्रयास उसके लिए आज से आप शुरू करिए। इसके बाद यदि हम बात करें प्रमुख किताबों की, तो देखिए जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए आप एनसीईआरटी की किताबों को फोकस करते हैं सी टेट के लिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, लेकिन अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो यूपी टेट के लिए आप एससीईआरटी की किताबों को ज्यादा फोकस करें, और एससीईआरटी की किताबों से ही आपके प्रश्न ज्यादा बनते हैं, प्रश्न मॉड्यूल ज्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपको अगर देखना है कि आप प्रतिदर्श के रूप में किन किताबों का यूज करें, तो सबसे पहले आप एससीईआरटी की किताबें लैंग्वेज उसके लेवल को फोकस करिए। मार्केट से भी बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जिनको आप निश्चित रूप से उठा सकते हैं, जैसे हिंदी के लिए यदि हम लोग देखें तो डॉक्टर हरदेव बाहरी हैं, व्याकरण के लिए इंटरमीडिएट में आपने जो किताब पढ़ी है हिंदी की व्याकरण की, उस किताब को आप यूज कर सकते हैं। अगर हम पर्यावरण के लिए देखें तो देखिए यूथ कंपटीशन का ईबीएस का प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के साथ आप एससीईआरटी की 6, 7, 8 की जो हमारा प्रवेश होती है उस हमारा प्रवेश की किताब को भी देख सकते हैं। अगर आपके पास इग्नू के नोट्स हैं तो आप इग्नू के नोट्स को भी देख सकते हैं, लेकिन यहां पर भाषा की क्लिष्टता आपकी होगी क्योंकि इग्नू की भाषा बहुत अच्छी होती है। एक और किताब के रूप में आप वाणी पब्लिकेशन की पर्यावरण की किताब का उपयोग कर सकते हैं, वाणी पब्लिकेशन की जो पर्यावरण की किताब है वो बहुत अच्छी है। बाल विकास के लिए आप सभी लोग मालती सारस्वत दीपक शर्मा की किताब ले सकते हैं, मालती सारस्वत तो दीपक शर्मा की किताब बहुत अच्छी है, और यहां से अगर आप लोग देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी किताब है तो उसमें से आपकी जिम्मेदारी भी ये होगी कि आप उस मैटर्स को छांट लें, है ना। तो मालती सारस्वत दीपक शर्मा की किताब है, कुछ अच्छे नोट्स का भी आप यूज कर सकते हैं। अंग्रेजी और संस्कृत के लिए इंटरमीडिएट में आपने जो व्याकरण की किताब ली है, ग्रामर की किताब ली है, आप उसका यूज करिए। उस किताब को पढ़ने से फायदा यह होगा कि एक किताब आपने उसको एक बार पढ़ा है, जिन पुस्तकों को अब हम एक बार उपयोग में ला चुके होते हैं हम उन पुस्तकों से अवेयर होते हैं, उन पुस्तकों से हमारी तैयारी जल्दी होती है। 10 अलग अलग पुस्तकों को पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम एक पुस्तक को 10 बार पढ़ें। अगर आपकी लाइब्रेरी में आपके घर में इंटरमीडिएट की वो व्याकरण की किताब रखी है जिसके आपने इंग्लिश हिंदी और संस्कृत पढ़ा था, उसी किताब को निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा सहायता वो आपकी करेगी, क्योंकि आप जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं उस परीक्षा का पैटर्न भी उसके समकक्ष है, इसलिए बहुत परेशान होने की यहां पर जरूरत आपको नहीं है।
गणित के लिए आप SCERT की कक्षा 6, 7, 8 की किताबों को यूज कर सकते हैं, या आपको मार्केट से कोई किताब लेनी है तो डॉक्टर सुनील त्रिपाठी की किताब आती है गणित की, आप सर्याप्ता पब्लिकेशन में डॉक्टर सुनील त्रिपाठी की किताब को यहां से ले सकते हैं। किताब बहुत अच्छी है, विविधतापूर्ण है और वहां से भी आप आराम से जो है इसको कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये प्रमुख किताबों की सूची थी जो आपके लिए जरूरी है, जिसके लिए आप बराबर पूछते रहते हैं। विषय बार और टॉपिक वाइज भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किताबें आपके लिए किस प्रकार और मददगार हो सकती है और किस भाग को किस विषय के किस किताब से पढ़ना है। अब मैं यूपी टेट पर लगातार आप लोगों को वीडियोस देता रहूंगा, जिससे कि जो लोग घर बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं और संस्थान की तरफ से भी लगातार यूपी टेट और सीटेट के लिए वीडियो आते रहेंगे, जिससे हमारे वो सभी भाई बहन, वो सभी सदस्य जो सुदूर क्षेत्रों में हैं और वो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, हम आपको इतना मैटर जरूर प्रोवाइड करेंगे कि निश्चित रूप से आप देख सकें। अगर हम इन किताबों को देखें तो लगभग इन सारी किताबों को मिलाएं तो 1200 प्लस पेजेज होते हैं। 1200 प्लस पेजेज किससे हम मैटर निकाल के 120 अंक अर्जित करें, थोड़ा सा टफ है। टारगेट बतालोग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के नोट्स ही अगर आपने पढ़ लिए तो आप 120 प्लस अंक अर्जित कर सकते हैं, जैसे पिछले समय में हुआ है। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, बैचेज में आपको आना पड़ेगा। यदि आप स्वयं से कर सकते हैं तो भी इंस्टीट्यूट आपकी मदद करेगा, ऐसी बात नहीं है। समय समय पर आपको इसी प्रकार बताता रहेगा कि किस प्रकार आपको अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं आपको सर्वश्रेष्ठ सर्व करने के लिए और लगातार हम आपको टेट सीटेट के लिए वीडियो देते भी रहे हैं। और सीटेट का बैच तो इस इंस्टीट्यूट ने आपके लिए निःशुल्क चलाया था कोरोना काल में। सीटेट की भी परीक्षा की डेट जनवरी में आ चुकी है, तो सीटेट वाले भी कमर कस लें। इस समय यूपीटेट का तैयारी शुरू करने का आपको दो फायदा होगा कि आप सीटेट भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और यूपीटेट भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगर हम लोग और आगे यहां से बढ़े तो यहां पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। 9 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया यूपीटेट के नए बैच में आपकी प्रारंभ है, आप नए बैच में प्रवेश ले सकते हैं। मैंने आपको सारी प्रक्रिया बताई है, उल्टी गिनती आपकी शुरू है। आपकी परीक्षा एक बड़ी परीक्षा है, इसलिए आप लास्ट समय के लिए नहीं बैठ सकते। तो आप सभी लोग आइए, यूपीटेट की विशुद्ध रूप से तैयारी करिए। यह व्हाट्सएप नंबर है एंट्री, जो मैंने आपको बताया एंट्री टेट लिख के भेजना है। बाकी ये 6 नंबर्स हैं और मैंने आपको बताया कि आने वाले बैच में अनुशासन और गुणवत्ता के साथ हम आपको क्या क्या प्रदान करने वाले हैं। देखिए, प्रयास करना आवश्यक है, आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं। हम सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहे हैं, आप सर्वश्रेष्ठ लेने का प्रयास करिए। मैं आशान्वित हूं कि इतनी अच्छी फैकल्टी के साथ, इतने अच्छे कोर्सेज के साथ आप संस्थान से जरूर जुड़ेंगे। वैसे भी आप संस्थान से जुड़े रहिए, हम हमेशा आपके सुझावों की कद्र करते हैं, हम हमेशा आपके लिए गुणवत्तापूर्ण मटेरियल देते रहते हैं। यूपी टेट में भी सभी सदस्य हमारे लिए जरूरी हैं, जो हमसे जुड़े हैं और नहीं जुड़े हैं, हम आपके लिए भी गुणवत्तापूर्ण मैटर को देते रहेंगे। मैं आशान्वित हूं कि आप संस्थान से जरूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।